त्रिपुरा राज्य में धर्म विशेष पर सुनियोजित हमले कर भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को खंडित करने के विषय में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया मजलिस ए मिताउदुल मुस्लिम के जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें त्रिपुरा राज्य प्रकरण से संबंधित 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन में त्रिपुरा राज्य में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। ज्ञापन के बारे में बोलते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित फरगारी ने बताया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला इकाई मुरादाबाद आज यहां पर जो त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अराजक तत्वों जो भगवादारी संगठन है उनके द्वारा जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके मुतालिक जो है मेमोरेंडम देने आए हैं और मांग कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इन लोगों पे जो है बैंड लगा जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उआपा और आईपीसी की सख्त धाराओं में कठोरतम कार्रवाई उन पर की जाए और मुसलमानों को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जाए और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा जो दंगा पीड़ित हैं उनको दिया जाए और जो धार्मिक स्थल वहाँ डिमोलाइज किए गए हैं या तोड़े गए हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाए जो सरकारी मत से हो। इस मांग को लेकर हम लोग आज ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुरादाबाद जिला इकाई जो है वो आई है और डीएम साहब के द्वारा जो है हम मांग करते हैं जिला राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति से।